बल्लेबाजी भी चली है, सलामी जोड़ी ने रन बनाए हैं, चाहे वो स्मृति मंदना हो, शेफाली वर्मा हो, और अच्छा फॉर्म जेमिमा रॉड्रिक्स का, जिन्होंने नंबर 3 पर 2 अहम पारियां खेली हैं इस प्रतियोगिता में, एक भरोसा दिलाती है भारतीय समर्थकों को कि इस पर अप टू द स्टंप्स आ गई हैं तानिया भाटिया पहली गेंद के लिए। अलीसा हीली को वो मौका नहीं देते वो कदमों, बाहरी किनारा और 4 रन मिल जाएंगे। स्लिप पे खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बहुत जैसे आपने कहा लेग बिफोर की अपील है और अब रनआउट की भी अपील है। ये देखिए राधा यादव पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इंपैक्ट इज इन लाइन, विकेट्स आर हिटिंग, सो बैक टू ऑन फील्ड टू जैकी प्लीज। Jackie, can I ask you to change your decision to out? Signal out now, please. Out का निर्णय आएगा और रिव्यू जो लिया भारत ने बेथ मूनी स्ट्राइक पे, लो फुल टॉस और गैप मिल जाएगा, 4 रन बेथ मूनी के नाम इस पारी में, उनका पहला चौका। चुकी और हरमन इस बात को भली भांति जानती होंगी, यहां तो 4 रन मिलेंगे, भले ही बाउंड्री राइडर डीप स्क्वायर लेग पर है पर ये इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेला हुआ शॉट था और किस गज के दायरे के अंदर, थोड़ी नीची रही थी ये पिछली गेंद, क्या चौका रोक पाएंगी? जी नहीं, जेमिमा ने कोशिश तो पूरी की लेकिन 4 रन मैग लैनिंग के नाम। लीजिए बड़ा शॉट मैग लैनिंग के बल्ले से और इस बार तो 6, पहला 6 पारी का। छक्का मारते हो तो अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है बैटर को। ओह, ये तो हेलमेट पे लग के गई है तानिया भाटिया को। ओह, 4 रन तो आप जोड़ लीजिए ऑस्ट्रेलिया के खाते में पर तानिया भाटिया चोटिल, स्वीपर कवर या डीप मिड विकेट मौजूद है। स्टेप आउट किया है बेथ मूनी ने और बिल्कुल सीधा मारा, 1 बाउंस फॉर। अल पाएंगी अतिरिक्त उछाल के साथ, गति के साथ बेथ मूनी ने तो पुल शॉट मार दिया है, उस अतिरिक्त गति का भरपूर प्रयोग किया है। मैग लैनिंग लेग साइड की ओर गई, चुनौती पेश करी फाइन लेग के लिए, लेकिन बैट्समैन भी सेट हो जाते हैं, यहां पर कोशिश है कि उनको अनसेटल रखे। शॉर्ट गेंद थी और खामियाजा भुगतना पड़ा लेकिन आप अनसेटल ऐसी उनको पार कर गई थी। स्पिन तो मिली थी लेकिन दिशा दे पाई मैग लैनिंग। विकेट की मांग थी लेकिन बाउंड्री मिली, मेड ऑफ को क्लियर किया मैग लैनिंग ने। क्यों उनका दर्जा इतना ऊंचा है इंटरनेशनल वेमेंस क्रिकेट में, ये एक बार और फिर बहुत ही महंगा ओवर, बाउंड्री पे बाउंड्री आ रहे हैं यहाँ पर 10 ओवर के बाद 83 पर 1। ये देखिए जिस तरह से स्टेप आउट किया बेथ मूनी ने, बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, क्लीन पिकअप और रिवर्स पीछे अपने जो स्टंप थी, जिस तरह से मैग लैनिंग आउट ही फील किया, कलेक्ट किया सही और पीछे फेंका गेंद को। लीडिंग एज राधा यादव, वाह भाई वाह, गेंद का रुख अकेले ही बदल रही है, पहले मैग लैनिंग को झटकाया और अब उड़ान भरी तालियां मगरा को वापस भेजने। मैच में बहुत ही मजबूत वापसी, ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो है मैच इंडिया से बहुत दूर ले जाएंगे लेकिन ये देखें एंटिसिपेट जो किया और उसी पोजीशन में कुछ हद तक एज आया तो इस वजह से 4 रन। ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें तो अहम, एक बार फिर से एज ढूंढा है, स्वीप मारा और बाउंड्री मिल जाएगी इस बार उनको 109/3। ओह, करारा शॉट है ये,
15वें ओवर की पहली गेंद को भेज दिया है दर्शक दीर्घाओं में। एशले गार्डनर ने उत्तर तक पहुंच जाएगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी भारत के लिए। ओ, विकेट चाहिए थी, विकेट मिली। चलिए एशले गार्डनर को तो भेजा वापस डगआउट। स्नेह राणा लगाएं। ओ, क्या ये मौका बनेगा कैच का? जी नहीं, बहुत वाइड रखा था लॉन्ग ऑफ पे फील्डर को। अर्धशतक पूरा बेथमून। डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश है, ऊंचाई मिली लेकिन दूरी नहीं, और एक बहुत अच्छा कैच है ये मेघना सिंह के द्वारा। जब गेंद इतना ऊंची जाती है, करें 11 विकेट के साथ 4 रन, 2 बाउंड्री राइडर्स जो मौजूद थे उनके बीच में खेला हुआ ये शॉट है बेथ मूनी के द्वारा। फिर बड़े शॉट के लिए गए हैं, यहाँ पे कैच आउट हो सकती है। क्या कैच पकड़ा यहाँ पे दीप्ति शर्मा ने, शायद रिप्ले देखेंगी तो उन्हें खुद विश्वास नहीं होगा। पर ये मैच क्या कायाकल्प कर सकती है इस मुकाबले के नतीजे को। और फिर कई बार जब गिरता है ना खिलाड़ी, उसकी बात करेंगे एक क्षण में। फिलहाल तो इस शॉट पे नजर डालिए, ये शॉट खेलना चाह रही थी बेथ मूनी जो पकड़ में आई। ओ, विकेट एक और। आज तो इस मैच में राधा यादव कुछ गलत नहीं कर सकती, लिखवा है लेकिन अब। और स्ट्राइक पर रेचल हेन्स, बड़ा शॉट लगाया तो है लेकिन दूरी क्या मिलेगी। 4 रन जमीमा रॉड्रिक समाप्त होने के बाद आप केवल 3 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं बाउंड्री रोप के पास, 4 नहीं। यहां पर रनआउट का चांस है। जॉनसन को क्या वापस भेज दिया है भारतीय खेमे ने। गोल रेडी टू मेक माय डिसीजन, थैंक यू। लाल बत्ती जलने वाली है, आउट का संकेत आ गया है कि समाप्ति की तरफ वो मिला नहीं है उनको। एक तो मिलेगा, 2 के लिए वापसी करना चाहेंगी और खराब थ्रो, बेहतर थ्रो होता तो शायद रन आउट हो सकती थी रेचल हेन्स। पर अंत में 2 रन और जुड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के टोटल में इस गोल्ड मेडल मैच के अंदर, विमेंस T20 मुकाबले में बर्मिंघम के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन डाले हैं स्कोरबोर्ड पे 8 विकेट के नुकसान पे, यानी कि जो लक्ष्य रख 5 ओवर में महज 36 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने और विकेटें चटकाई थी भारत ने, तो एक उम्मीद की किरण जगी हुई है मेडल। आते ही इरादा दिखा दिया, स्टेप आउट करके शॉट मारा। यहाँ पे एज मिला और क्या पहली बाउंड्री मिल जाएगी। जी हाँ, शॉट थर्ड मैन को पार किया, बाउंड्री कैसे भी आए। स्मृति मंदाना, शेफाली सफाई से मारा ये शॉट, 12 रन भारत के पहले ओवर के अंत में। जैसा कि वेदा ने भी बताया, हवा में शॉट और 1 बाउंस मिड ऑफ से पहले, पर गैप इतनी बेहतरीन तरीके से ढूंढा। बढ़िया शुरुआत थी, आप ही पड़ेगी। बड़ा झटका भारत के लिए, डार्सी ब्राउन ने स्मृति मानना को बोल्ड कर दिया है। एश गार्डनर ने अपनी बोली की शुरुआत की और पहली बॉल पर ही शिफाली का विकेट ले सकती थी लेकिन ड्रॉप कर दिया कैच। शिफाली के पास एक और जीवन दान और अब एक अपील LBW के लिए, बॉल जाएगी बाउंड्री की ओर और बाई एक बार फिर से हवा में बॉल, इस बार कोई गलती नहीं की है। डालिया मगरा ने लिया ये कैच, बॉल
फुल टॉस बनाया, डाइव लगाकर शायद बाउंड्री रोकी है मैगन शुट ने, पर दोना पड़ता है, पर फिर ऐसे शॉट भी लग जाते हैं। ये तो जेमिमा का अंदाज है, आप हर बार इनको बैटिंग करते हुए देखेंगे तो हर बार आपको ऐसे शॉट दिखेंगे और सफलता दिखेगी। तो शॉर्ट बॉल, लेकिन हरमनप्रीत कौर तैयार थी, बेहतरीन शॉट और नतीजा 4 रन। शायद दोनों बैटर्स इस बात से वाकिफ कि ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का, और बेहतरीन फायदा उठा रही है इस बात का। वाह भाई वाह हरमनप्रीत कौर। लेकिन वो कहानी थी पुरुषों की क्रिकेट की 1998 में, यहां पे बात करते हैं महिला T20 क्रिकेट की, जहां पे 4 रन और अपने नाम कर लिया हरमनप्रीत ने। लो फुल टॉस, गैप में 4 रन और मिलने चाहिए, 4 रन और मिलेंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी गेंद कर रही है, वो स्ट्राइक पे है इस समय। लीजिए बड़ा शॉट, क्या दूरी मिली है, जी हां 6 रन हरमनप्रीत के नाम। जबरदस्त स्ट्रोक टीम का, लेग स्पिनर को चार्ज किया है, अगेंस्ट द टर्न खेला हुआ शॉट, लेकिन फिर भी 4। अलाना किंग का स्वागत किया उन्होंने बॉलिंग क्रीज पे। फुल टॉस, दूसरा फुल टॉस लगातार फेंका तालिया मगरा ने, और इसका पूरा फायदा लिया हरमनप्रीत ने, पुल कर दिया उसे। जिस तरह से बैटिंग कर रही है ये आप देखें, फुल के खेला है, देखना है कहां तक क्लियर किया। जी हां क्लियर कर दिया इनफील्ड को, ये तीसरी बाउंड्री। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हरमनप्रीत कौर, टेंशन के चलते वो बल्लेबाजी नहीं करेगी ये खबर आती हुई। जी हां ये खबर तो आएगी आगे ये, और बहुत ही शानदार हाफ सेंचुरी, दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट में दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहली मैच में भी उन्होंने 52 रन बनाए थे और यहां अब है नॉट आउट 50। आठवां अर्ध अलाना किंग, 4 रन और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जेमिमा रॉड्रिग्स को बचने के लिए हटना पड़ा। हौसला हिम्मत और बहुत शानदार स्ट्रोक भी, अच्छे टच में शुरू से है इस टूर्नामेंट में। सिंगल के लिए निकली जरूर है और डायरेक्ट हिट है, क्या ये मुश्किल हो गई है जेमिमा के लिए, ये रेफर किया जाएगा थर्ड अंपायर को। Yep, back grounded and beyond the crease, I'm ready to make my decision, thank you. प्रीत और जेमिमा बहुत अच्छी पार्टनरशिप, दोनों ही फॉर्म में, तो पलरा जो है इंडिया का भारी है और ये बताता है क्यों भारी है। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है हरमनप्रीत कौर ने, स्टेप डाउन करके बोलर्स को सेटल होने ही नहीं दिया है, लेंथ जो है उनका खराब कर दिया है। मैगन शुट जेमी के खिलाफ, और क्या शॉट मारा है जेमी ने, मैगन शुट की नई स्पेल की शुरुआत बाउंड्री से। जेमी हुई आउट, मैगन शुट ने असर डाला, निराशा झलकती हुई भारतीय नंबर 3 पर, और तीसरा विकेट चटकाया है ऑस्ट्रेलिया ने एक अहम समय पर। लेग कटर डाला गया था मैगन शुट से, यहां पे एक होप दिखती हुई। पूजा वस्त्रकर ने बड़ा शॉट मारा, हवा में है बॉल और विकेट मिल गया। एशली गार्डनर ने फिर से वो असर डाल दिया है मैगलानी की टीम के लिए। लैप के लिए गई हरमनप्रीत, नहीं भारतीय नजरिए से ये नहीं हो सकता था। 2 बॉल में 2 विकेट एशली गार्डनर के नाम, बहुमूल्य है। लेग स्टंप के बाहर से गई है बॉल, अलिसा हीली ने भी मिस कर दिया है। 5 रन मिल जाएंगे, 5 फ्री रन मिल जाएंगे, क्रूशियल 5। छोटी गेंद थी, ज्यादा उछली नहीं, बेथमूनी वहां मौजूद।
स्टेप आउट किया है, क्या बाउंड्री मिलेगी यहां पर? लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद तालिया मगरा के रूप में और मिसफील्ड के चलते एक वेलकम बाउंड्री उनके लिए। स्नेहराना शफल किया लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद और यहां पे मिक्स अप, रन आउट स्नेहराना, ऐसा लगता है खुद ही चल रही है बाहर क्योंकि जानती है दव नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है। दीप्ति आउटसाइड एज, बाउंड्री जैसे भी आए फर्क नहीं पड़ता है, बाउंड्री बस आ जाए। ये लकी बाउंड्री है। 19वें ओवर के लिए तैयार, क्विक सिंगल राधा यादव, डायरेक्ट हिट। अब ऑस्ट्रेलिया भी एक रन बनाकर आउट 145 पर। दीप्ति है स्ट्राइक पर लेकिन बिल्कुल मैगन शुट के सर के ऊपर से, चार रन नहीं होंगे जी, हो गए हैं अंत में यही मैगन शुट ने। बड़ी अपील एलबीडब्ल्यू के लिए और अंपायर ने आउट का संकेत दे दिया है, तुरंत रिव्यू की मांग। Okay, pitching outside off, impact is in line, wickets are hitting. Back to Jackie on field, please. Stay with your decision of out. Stand by. Signal now. Signal now. Thank you. बहुत ही मुश्किल अब भारत की। स्टेप आउट करके शॉट तो लगा लेकिन वन बाउंस लाना किंग की ओर। दो रन के लिए भागेंगी, आसान सा रन आउट, आसान सा रन आउट। मेघना सिंह ने अपनी विकेट का बलिदान दिया है ताकि यास्तिका वापस स्ट्राइक पर आ जाएं। टेंशन बढ़ती हुई, यास्तिका बनाम जॉनसन। रिवर्स स्वीप की मांग है, बड़ी अपील है, विकेट मिल गया है। स्वर्ण पदक भले ही जीता हो ऑस्ट्रेलिया ने लेकिन अभी रिव्यू। थर्ड अंपायर टुडे मूव टू बॉल ट्रैकिंग प्लीज। ओके, पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स आर हिट्स, अंपायर्स कॉल, सो बैक टू किम ऑन फील्ड प्लीज। स्वर्ण पदक जीता ऑस्ट्रेलिया ने, दिल जीता लेकिन भारत ने। थैंक यू। पहले चैंपियंस, पहले गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के, वही टीम जो वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं।